चंदन क्यारी प्रखंड के सेवा निवेद प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी संजय कुमार की विदाई सह सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित की गई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लोहरा, जिला शिक्षा अधीक्षक डॉक्टर अतुल कुमार चौबे, वीडियो राजीव कुमार सिंह, सीओ रवि कुमार आनंद के अलावे चास एवं जरीडी के बीईओ समेत शिक्षक गण उपस्थित रहे। सभी ने सीओ को माला पहनाकर शॉल एवं बुके देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का संचालन सागर लाल मेहता बीआरपी के द्वारा किया गया, जहां उपस्थित विभाग के अधिकारियों ने बीईओ के कार्य का सराहना किया। वहीं वीडियो और सीओ ने बीईओ एवं उनके टीम द्वारा अच्छे कार्य करने की सराहना की। इस दौरान डीईओ ने कहा कि बीईओ संजय कुमार कार्य करने की शैली एवं अनुभव बहुत अच्छा था। उनके किए गए कार्यों को हम लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। साथ ही ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। डीएससी ने कहा कि बीईओ साहब अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे तरीके एवं अनुभव से हर काम आसानी से कर लेते थे। अनुभव का ज्ञान हम सबों से अधिक है। बीईओ साहब जहां भी रहें अच्छे एवं स्वस्थ रहें। बीईओ ने कहा कि जिस तरह अच्छे विचार के साथ सेवा दिए, उसे ज्यादा आज प्रेम और स्नेह मिला, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। दूसरा फिर मैं 22 में आया और ये पौने 2 साल का मेरा कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा रहा। चंदन प्यारी के शिक्षकों के तरफ से मुझे बहुत 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 सहयोग मिला। शिक्षकों को बस सिर्फ अंतर इतने कमी यहीं पर है कि आप शिक्षकों को, शिक्षक बंधुओं को मोटिवेट करें। अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे तो यहाँ के शिक्षक बंधु निश्चित रूप से काम करेंगे। अभी वीडियो साहब आपको बताए कि किस तरह से हम 72% को बोकारो जिला में सबसे स्वीप कार्यक्रम सब जगह हुआ, लेकिन जो हम लोगों ने काम किया, मैं स्वयं सवेरे 7 बजे से लेके 9 बजे 8:30 बजे रात तक रहा। चुनाव के दिन भी जो उन्होंने कहा 25 तारीख को भी जहां पर हमारी कमी रही, किस बूथ को हम लोग देखते रहे और वहां जहां पुअर था तुरंत खबर दिए कि पब्लिक को निकालो, तो हम लोग उसमें कोई भी काम में, शिक्षा में भी हमारा बहुत अच्छा रहा। और हमारे सीआरपी बीआरपी डीपीओ सब बहुत योगदान किए, सबों का सहयोग रहा। और सबसे बड़ा सहयोग कि कभी कोई सुनते हैं कि आज वहाँ पर पेपर वाले आए थे, आज वहाँ पर प्रिंट वाले, तो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, लेकिन सबसे अधिक खुशी मुझे यही है कि 6.5 साल के दरमियान चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आप दोनों का जितना सहयोग मिला वो मेरे ऊपर आप सबों का एक बहुत बड़ा कर्ज रहा। अगर मौका कभी मिला आपको सहयोग करने का, मैं निश्चित करूंगा शिक्षा में बढ़ावा के लिए, विस्तार के लिए। आप सबों का, सभी पूरे टीम का, एक चैनल का नहीं, एक पेपर का नहीं, आप सबों का काफी सहयोग मुझे मिला। आपको किस प्रकार महसूस हो रहा है? अगर वास्तविक में पूछिए, परिवार छोड़ के निकल रहे हैं, अगर वास्तविक में पूछिए तो गम भी है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी है, क्योंकि आप खुद एक इंसान है। आप जब अपने बच्चों को, परिवार को बहुत समय नहीं दे पाते हैं, दिन रात पत्रकारिता में व्यस्त रहते हैं, तो आपकी भी तमन्ना रहती होगी कि आप कुछ आराम करें और बच्चों के साथ समय दें। तो अब 60 साल के बाद लग रहा है कि मैं अब कुछ दिन अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ रहें। अभी ऐसी स्थिति थी कि मेरी माँ एक्सपायर कर गई, तो कुछ परीक्षा लास्ट दिन हम करके गए, क्योंकि बड़ा होने के नाते दाह संस्कार करना था, और श्राद्ध कर्म खत्म करके तुरंत वापस आना पड़ा। गांव वालों ने, तुरंत समाज ने, कौन ऐसा नौकरी है जो इसको, लेकिन अब उसको क्या समझावें कि मार्च महीना में सैन्य खाता से निकालना है, करोड़ों रुपया फंस जाएगा। तो यही बात है, अब मैं जिस दिन नौकरी मुझे मिली थी उस दिन का जो खुशी था और आज का खुशी, मुझे लग रहा है अगर दोनों को तराजू के पलरे पर रखें तो आज शायद पलरा कुछ ज्यादा भारी होगा। उससे ज्यादा मुझे खुशी आज हो रही है कि अब मैं स्वतंत्र भारत का स्वच्छंद पंछी, अब कोई विधान, अब मेरा विधान अपने ऊपर चलेगा, अब अभी कोई नियम कायदा काम नहीं करेगा।